नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 और 26 नवंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, उसी के साथ बात करते हैं अश्वमेध ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर राशि में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशील होंगे। दोस्तों, राशि में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 25 नवंबर की बात करें तो दोस्तों ये दिन गुरुवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और दोस्तों दिन पुष्य नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों दिन योग की बात करें तो शुक्ल नाम का शुभ योग रहेगा और ब्रह्म नाम का दोष शुभ योग रहेंगे। जी दोस्तों, और यह योग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। राहु काल का समय दिन दोपहर के 1:34 से लेकर दोपहर के 2:55 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप यह राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कर्क राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन 26 नवंबर की बात करें तो दोस्तों इस दिन शुक्रवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन आश्लेषा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इस दिन इंद्र नाम का शुभ योग भी रहने वाले हैं और यह योग भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, बहुत ही ज़्यादा खास आपके कार्यक्षेत्र के लिए रहने वाले हैं। राहु काल के समय दोपहर सुबह के 10:53 से लेकर दोपहर के 12:14 रहेगा और चंद्रमा दिन कर्क के उपरांत सिंह में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में विदेश यात्रा के योग हैं। यश में किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र भी जुड़ेंगे। वहीं दोस्तों, यश में सरकारी नौकरी का योग भी बन रहा है। इन दिनों में जो है सुख शांति पूर्वक जो है दिन बीतने के योग हैं। पारिवारिक जीवन में जो है आनंद ही यश में बना रहेगा। दोस्तों, यश में लोकहित का कार्य कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो यह समय आप सोच समझ कर फैसला लें, किसी भी जो है झगड़े में इसमें न पड़ें, अपनी रचनात्मक जो है प्रतिभा को सही तरीके से आप इसमें इस्तेमाल करें तो आपके लिए जो समय है काफ़ी फायदेमंद भरा साबित होगा। बिजनेस में सोच समझ कर इसमें जो है पैसे लगाएं, वरना आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, इन दिनों में आपको निवेश में लाभ मिलने के आसार हैं, बशर्ते आप सोच समझ कर निवेश करें। अस्थायी संपत्ति में किया गया कोई पुराना इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको यश में कुछ पुराने अटके काम भी फिर से शुरू करने का मौका मिल सकता है। कुछ लोग आपके जो है ईगो को ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जो है स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा और इन्हें रख कर आगे बढ़ना होगा। आपके आसपास ये जो समय है कुछ नकारात्मकता भी रह सकती है जो कि आपको प्रभावित करने का प्रयास भी करेंगी। तो दोस्तों, आप इन सब पर ध्यान दें और अपने कार्य पर आगे बढ़ते रहें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो आपके लिए ये जो समय है कुछ मामलों में आगे बढ़ने के लिए आपको बेहतर रहेगा। बिजनेस के लिए ये जो दिन है अच्छा ही रहेगा। करियर के लिए दोस्तों, यदि किसी तरह की चल अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या फिर प्रयास किया जाता है तो दोस्तों यश में संभावना है कि वह सफल होगा। आर्थिक लाभ की दृष्टि से किसी कार्य की योजनाओं को विस्तार देना या फिर नए कार्यों का शुभारंभ करना भी यश में आपके लिए फलदायी साबित होगा। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों अन्य व्यक्ति की वजह से एक दूसरे से मतभेद उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, कोई घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का आप प्रयास न करें, सामान्य स्थिति बनाए रखने की यश में आप जो है अपने लव लाइफ के लिए कोशिश करें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपको जो है रिश्तों में कुछ लोगों की बातों से आहत हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, अपने जो है आत्मसम्मान को बरकरार रखकर आप यश में आगे बढ़ें। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो
तो आपके लिए सेहत के लिहाज से ये जो दिन है ठीक ठाक रहेगा। केवल जो है आपको मानसिक तनाव से बचना होगा। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक जो है वह रहेगा एक। दोस्तों इन दिनों में लेखन प्रवृत्ति आपकी मुख्य प्रवृत्ति होंगी। अपने विचारों को कागज पर उतारना आपको यश में पसंद आएगा। आपके अभिगम में बहुत अधिक व्यवहारिकता होगी। दोस्तों इसके कारण निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन के बीच आप जो है अच्छा संतुलन बनाए रख सकेंगे और मानसिक तनाव से यश में आप इनसे मुक्त होंगे। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों इन दिनों में ऑफिस के कार्य आपके लिए सराहनीय कुशलता के साथ संबंधित करेंगे। जहाँ तक नियमित कार्य का संबंध है तो आपके सहकर्मीगण आपके लिए अच्छे रहेंगे। महत्वपूर्ण परियोजनाएँ यह समय पर पूरी होंगी। यह समय जो है आप पेशेवर जीवन में तेजी से प्रगति करने के मूड में रहेंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो इन दिनों के जो शाम का समय रहेगा आपके लिए आप खुद को परेशान महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑफिस का आपको टेंशन हो सकता है। वहीं आपका साथी जो है एक हंसमुख मूड में यश में दिखाई देगा। दोस्तों यश में आपका प्रेमी जो प्यार से आपसे काम निकलवाना चाहेंगे। दोस्तों गणेश जी की ओर से आपके रोमांटिक जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का विचार कर रहे हैं तो दोस्तों यह समय इन दिनों में सितारे जो है आपके पक्ष में होंगे। यह समय आपके संपर्क आपके भविष्य के वित्तीय विकास में योगदान कर सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में प्रमुख स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना होगा। वहीं दोस्तों यश में आपका जो उत्साह है वो आपको अच्छे मूड में रहने में मदद करेंगे। दोस्तों इन दिनों के अंत होते होते आप जो है मित्रों को आराम या फिर मिलना भी चाह सकते हैं। पिता का तल्ख वर्ताव आपको जो है यश में नाराज कर सकता है, लेकिन दोस्तों हालात को नियंत्रण में रखने के लिए यश में आप शांत रहें, इससे आपको फायदा होगा। वहीं दोस्तों यश में शोर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताज़ा कर देगा। वहीं दोस्तों यश में व्यवसाय की मीटिंग के दौरान भावुक और जो है कड़ बोले न हो। अगर आप अपनी जो है जवान पर काबू नहीं रखेंगे तो आप आसानी से अपनी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी यश में आप अपने लिए जो है समय निकाल पाएंगे। खाली वक्त में यश में कुछ रचनात्मक आप कर सकते हैं। जो यह समझते हैं कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है वे गलत हैं, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। वहीं दोस्तों यश में आप अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए किसी क्यारी पीपल या फिर बड़ के पास जो है धरती पर 28 बार सरसों का तेल लपकाएं। यही कार्य आप घर में गमले में मिट्टी रख कर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे जो है आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि आप जो है घर की पूर्व या फिर उत्तर दिशा में मंदिर बनवाएं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि घर का जो मंदिर है और रसोई के साथ साथ न हो। घर में जो है भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार को प्रभु को पीली मिठाई का भोग लगाएं। इसे दोस्तों आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। धन से जुड़े सभी समस्याओं का अंत होगा और घर में लाभ होते रहेंगे। तो दोस्तों इन उपायों को आप जरूर करें, ये बहुत ही लाभकारी उपाय हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।